हेलो एवरीवन, डाटा वेयर हाउसिंग एंड डाटा माइनिंग के लेक्चर सीरीज़ में आज हम देखेंगे एग्लोमेरेटिव एल्गोरिदम के ऊपर पहला सॉल्व एग्जांपल। सो एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग मेथड के अंदर मैंने तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करे हैं और तीनों के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो एक के बाद एक आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। तो अब देखते हैं कि सिंगल लिंक अप्रोच की मदद से कैसे हम इस गिवन मैट्रिक्स का डेंडोग्राम प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन यही होता है कि that you have to draw a dendrogram and the data is given to you। और ये जो क्वेश्चन है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, तो मैं वही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू इग्नोर द वैल्यूज अबव द ज़ीरो डायगनल। कि ज़ीरो डायगनल के ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ हैं आप उनको इग्नोर कर दो। तो मैं उनको सिंपल यहाँ पर ऐसे कट कर देता हूँ कि आगे जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। देन आउट ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज आपको देखना है मिनिमम वैल्यू किसका है अदर देन ज़ीरो। तो अब आपको यहाँ पे दिखेगा वन दो बार है मिनिमम, तो आप किसी को भी ले सकते हो, पहले सी और बी को भी ले सकते हो, ई और ए का भी पेयरिंग कर सकते हो। तो मैं सीक्वेंस से चलते हुए पहले ई और ए का पेयरिंग कर रहा हूँ। सो पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, दैट पेयर ई एंड ए, ई और ए का पेयर बनाना है। और साथ साथ इजी करने के लिए मैं ये लिख देता हूँ कि मैंने इनकी पेयरिंग एट डिस्टेंस वन की है, ठीक है। अब देखो पेयरिंग करने के बाद मेरी मैट्रिक्स कैसे दिखेगी, पेयरिंग करने के बाद मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिखेगी, ई कॉमा ए, उसके बाद सी बी डी, सी बी एंड डी, और ऐसे ही यहाँ पे ई कॉमा ए और सी बी और डी। अब डायगनल का डिस्टेंस तो आप लिख सकते हो, डायगनल का डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो होता है, तो यानी ये भी ज़ीरो, ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि ई और ए का डिस्टेंस देखना है बाकी सबसे। तो यानी अगर मेरे को देखना है ई और ए का डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना होगा, तो मैं क्या करूँगा, यूजिंग सिंगल लिंक अप्रोच में क्या करते हैं, मिनिमम ऑफ ऑल द पेयर्स, क्या क्या पेयर बनेंगे, ई और सी का एक पेयर बनेगा और ए और सी का पेयर, यानी मिनिमम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ई ए एंड सॉरी ई सी एंड ए कॉमा सी। तो अब देखो ई और ए का डिस्टेंस कितना है, ई और ए का डिस्टेंस है वन और ए और सी का डिस्टेंस है टू, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे वन। तो यानी ई ए का डिस्टेंस सी से कितना आएगा वन। एक्चुअली यहाँ पे ई और सी का डिस्टेंस देखना था, मैंने गलती से ई और ए का देख लिया। सो ई और सी का डिस्टेंस कितना है टू, सो मिनिमम आ गई वैल्यू टू, तो यहाँ पे आप सिंपल लिख दोगे टू। ऐसी ई और ए का देखना है बी से, तो किस किस का देखोगे, ई और बी का, ई और बी का डिस्टेंस कितना है टू, फिर देखोगे ए और बी का, ए और बी का डिस्टेंस है फाइव, मिनिमम क्या हो गया टू, सो टू लिख देंगे। ऐसे ई ए और डी का देखना है तो कितना आएगा थ्री। बाकी की वैल्यूज आपको पता ही हैं, बी और सी का कितना डिस्टेंस था वन, सी और डी का था सिक्स, बी और डी का था थ्री, ठीक है। अब अगेन इसमें से आप मिनिमम वैल्यू देखो कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है वन, तो यानी अब हम पेयरिंग किसकी करेंगे, बी और सी को। सो पेयर बी कॉमा सी, और अगेन ये पेयरिंग कितने डिस्टेंस पे हुई है, डिस्टेंस वन पे। सो अब देखो क्या बनता है हमारे पास, ई कॉमा ए, बी कॉमा सी और डी, ऐसे इधर लिखेंगे ई कॉमा ए, बी कॉमा सी एंड डी। डायगनल डिस्टेंस लिख लो ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। अब हमें डिस्टेंस देखना है बी सी का ई ए से, तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, चार, बी ई बी ए सी ई सी ए, चारों की वैल्यू देखो, जो मिनिमम आएगी वो इसकी वैल्यू होगी, तो यहाँ पे आपका आएगा टू। ई ए का डी से हम निकाल ही चुके हैं पहले थ्री,
बी सी के डी से निकालोगे वही सेम कंसेप्ट लगा के, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 3। अब अगेन इस मैट्रिक्स में देखो मिनिमम वैल्यू किसकी है, 2। यानी अब हम पेयरिंग किसकी करेंगे, पेयर ई कॉमा ए एंड बी कॉमा सी। और ये पेयरिंग कितने डिस्टेंस पे हो रही है, एट डिस्टेंस 2। सो पेयरिंग करने के बाद अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, और ये डी एज इट इज रहेगा। ऐसे यहाँ पे क्या मिलेगा, ई कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी और डी एज इट इज। ठीक है, अब अगेन डिस्टेंस देखो, डायगनल का तो 0 लिख दो सिंपल, सो 0 और 0, और इसका इससे देखना है तो सिंपल आप इन दोनों में देखोगे तो आप इनका इससे देखना है तो सारे पेयरिंग बनाओगे, ई डी ए डी बी डी और सी डी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 2, यानी जो फाइनल पेयरिंग होगी इसकी और इसकी वो होगी एट डिस्टेंस 2। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब बनाते हैं डेंडोग्राम। सो डेंडोग्राम बनाने के लिए आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ टाइप। अब देखो पेयरिंग किस किस की हुई है, ई और ए की हुई है एट 1। सो अगर यहाँ पे 1 है तो ई और ए, बी और सी की भी 1 पे हुई है, सो ड्रॉ लाइक दिस बी एंड सी। उसके बाद ई और ए की पेयरिंग हुई है बी और सी से एट 2, यानी यहाँ पे कहीं पे इसकी और इसकी पेयरिंग हुई है, और फाइनली ये जो दोनों थे इनकी पेयरिंग हुई है डी से एट 2। सो ये एज इट इज़ आपका यहाँ पे ये आ जाएगा। सो ये आपका फाइनल डेंडोग्राम है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है आंसर। सो इस तरह से आप एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को यूज़ करके डेंडोग्राम्स को प्लॉट कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अराउंड 10 से 12 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। सो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।